बहुत ही टेस्टी जो है ना एक रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। पहले तो सायरा आपके साथ शेयर करती है, आज एक रेसिपी मैं भी अपनी जो है ना, अभी बच्चे जाग भी नहीं है, बच्चे जो है ना ज्यादा शोर कर रहे हैं, वो भी आपको साथ साथ सुनाई दे रहा होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम ये फ्राई रेसिपी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने जो है ना आलू की कटिंग कर लेनी है इसी स्टाइल में, आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी कटिंग कर लें। और इसे देखें अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद 10 मिनट तक इसे हमने अच्छी तरह खुश कर लिया है। तो अब हम इन आलू को देखें, ये देखें पानी ये देखिए, ये हमने एक बड़े बर्तन में ले लिए। अब हम इस जी तो भाई वैसा हम इधर 3 से 4 चम्मच जो है ना मैदा ले लेंगे और 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। अब हम इनके ऊपर अच्छी तरीके से डाल देंगे। ये 3 से 4 चम्मच जो है ना हमने लिए हैं, आलू की मकदार जो है ना वो तकरीबन हमारी 2 किलो है। तो ये देखिए ये हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है ना नमक का ऐड करेंगे। ये हमने नमक ऐड कर लिया। इसके अलावा इधर आप कोई भी मसाला, चाट मसाला या चिकन मसाला जो है ना ऐड करेंगे वो फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए हमने ये देखें चिकन मसाला जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाले के साथ साथ अब हम एक अंडा लेके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अंडा लगाने का मकसद ये था ताकि इनके जो मसाला जाते हैं वो इसके ऊपर से ना उतरे और इन्हें आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और हमारी वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम और मज़ीद वीडियो आपके लिए बना सकें। ये देखें वीडियो मसाला जो है ना मिक्स हो गया है। और इसके साथ आपको बताना चाहूँगा ये हमने जो है ना चिकन जो है ना बॉयल कर लिया है। एक कप जो है ना पानी का लेके एक चम्मच नमक का डाल के इसको इसके अंदर ही जो है ना इसको बॉयल कर लिया है। और अब इसके जो है ना छोटे छोटे हम रेशे बना लेंगे जो हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम दोबारा इनको टेटस को मिक्स कर लेंगे। ऐसा मैं आपको फ्राई करना बताएंगे, फ्राई करके किस तरह इसके अंदर चिकन ऐड करना है और क्या क्या और दोबारा इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारे स्मोकी फ्राइज जो है ना अच्छे तरीके से बन जाएं। क्योंकि जैसा आज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका का मैच भी लगा हुआ है और हम मैच भी देखेंगे और साथ साथ इसको भी इंजॉय करेंगे स्मोकी फ्राइज को। टोटल मसाला जो है ना मिक्स हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पे अब हम ये जो फ्राइज हमने बनाए हैं ठीक है, जो अब मैं फ्राई करना शुरू करूंगी। यहाँ पे हम घी ऑयल जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और जिसमें इजीली अच्छे से डिप हो जाएं। वैसे तो हम थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे क्योंकि बच्चे साथ साथ मैच भी देख रहे हैं, मैंने सोचा साथ साथ इनको फ्राइज भी बना के दे दिए जाएं और कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएं ठीक है। तो बच्चे भी खेल रहे हैं माशाल्लाह साथ साथ। ये देखिए मैं थोड़े थोड़े फ्राई कर लूंगी इन्हें। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर फ्राई करना शुरू कर दूंगी ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए अगर कैमरा दिखा सके, यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से यानी कि रेशेदार कर लिया, इसको अपने हाथ से अच्छे से बॉयल कर लिया था, नमक डाल लिया था इसके अंदर, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने बनाया, थोड़ा मैंने बनाया। अब मैं फ्राई की
फ्राई की जगह मैं आ गई हूँ, मैंने कहा ये ना खुदा ना खास्ता इनको फ्राई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं ही फ्राई कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि लेडीज़ को आदत होती है छींटे वगैरह जो पड़ते हैं उससे, हमें तो आदत हो गई है फ्राई कर करके, और इसलिए अभी इनका नया नया तजर्बा है तो मैं इसीलिए ज़्यादा इन्हें इस चीज़ के नज़दीक नहीं लगने देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हम इसे फ्राई कर लेंगे क्योंकि 5 से 10 मिनट हो गए रखे हुए इसे, और यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि साथ चिपक ना जाए, वैसे चिपक जाएंगे तो कोई मसला नहीं। तो इधर रियान बुला रहा, रियान के कह रहा है, तो यहाँ पे देखें बच्चे भी साथ साथ खेल रहे हैं। वैसे तो हम अक्सर जब मैं पहले कुकिंग करती थी ज़्यादातर तो मैं बच्चों को ना सुला देती थी, लेकिन आज बच्चे कह रहे हैं कि भी हमने मैच की वैसे इन्हें समझ तो आती नहीं है कुछ भी, लेकिन मैच इन्होंने देखना लाजमी है, बस जब शोर करेंगे तो शोर करना शुरू कर देंगे साथ हैं। ये जरा रियान की तरफ कैमरा घुमाओ ये देखो जी सारे बच्चे शौक से देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है ये, आज बड़े दिनों बाद आज कुकिंग की है। हाँ जी प्राइज रेडी, और अब हमारी यही कोशिश हुआ करेगी साथ साथ हम अपने बच्चों को भी ज्वाइन रखा करेंगे साथ, और फ्राइज वगैरह कोई भी कुकिंग किया करेंगे ये अपने डेली रूटीन लगा दिया करेंगे, इसको तो सही पकड़ेंगे रियान भी 2 महीने का काका बन गया बिल्कुल तो जैसे हमारे फ्राइज। और सबसे बड़ी मजे की बात आपको एक और बताऊं, हम मैच देख रहे थे बहुत मजे का, और साथ ही हमारे सिग्नल ऑफ हो गए, वो देखिए जैसे आप देख सकते हैं LCD पे सिग्नल चले गए, देखिए कितने मजे का श्रीलंका का और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, और है भी मेरे ख्याल में सेमीफाइनल है, नहीं फाइनल है, फाइनल है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा मैच में इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं ज़रा कम ही देखती हूँ, बस ये दुआ होती है कि पाकिस्तान जीत जाए बस। और ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे, इसके अंदर हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर से जो इन्होंने मतलब मटेरियल जो लगाया था मैदा और बेसन जो लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, बस वो लगाने का तरीका होना चाहिए, हाँ लगाने का तरीका होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं फ्राई की जगह इसलिए नहीं मैंने इन्हें लगाया कि खुदा ना खास्ता, चलो आओ फिर थोड़े से करो, चले ठीक है अब ये निकालेंगे ना फिर मैं इन्हें कहूंगी कि ये खुद ही फ्राई करें, ठीक है एमन की तरफ, एमन एमन इधर आओ, एमन ये देखिए व्यूअर्स, एमन को हमने हिफाजती जो इंजेक्शन लगे थे आजकल वो लगवाए हमने, तो एमन तकरीबन 2 से 3 दिन, हाँ जी रियान को भी 2 से 3 दिन इसने नीचे पाँव नहीं रखा बिल्कुल भी, ये देखिए अब ये थोड़ा सा उठी है, बहुत ही कमजोर होगी। एमन कैसे चल रही थी आप? एमन कैसे चल के दिखा रही थी, अब माशाल्लाह चल लेती है तो ये अपने टॉयज के साथ खेल रही है, और साथ साथ ये देखिए बिल्लियों की तरह बैठे खिसर 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 देख रहे हैं, देखिए फ्राइज का वेट हो रहा है भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके का, इसीलिए मैंने ज़रा आंच को तेज़ किया हुआ है। ये बहुत ही मज़े के फ्राइज हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा ये, क्योंकि ये अगर अगर घर में कोई तकरीबात हो गई मतलब कोई मेहमान आ गए या मतलब अगर हाँ खुद इंजॉय करना है, हाँ ये चीज़ लाजमी है क्योंकि बाहर से लाएं तो कितनी महंगाई है, सब चीज़ महंगाई कितना ज़्यादा मिलता है, तो कोशिश करें, वैसे तो घी बहुत महंगा है घी और ऑयल भी, लेकिन अगर ये घर में बना लिया जाए साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जो है ना बन जाता है, हाँ जी फ्रेश ऑयल है हर चीज जो है ना खुद ही तैयार की है हमने, अच्छे मसाले हर चीज अच्छी अच्छी डाल के हमने, हाँ जी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश यही हुआ करेगी घर के डेली रूटीन भी आपको दिखाया करेंगे कि किस तरीके से हमारा सारा दिन गुजरता है, किस तरीके से जो अच्छा लगता है ऐसे आप लोगों के साथ शामिल होना, काफ़ी दिनों से हम बिल्कुल आप लोगों से कट ऑफ हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई कोई ना कोई अच्छा सा ब्लॉग डाल लीजिए, तो फातिमा भी कोशिश कर रही है मेरी हेल्प करने की लेकिन इसे आती तो है नहीं, मज़ीद नुकसान कर देते हैं मैं व्यूअर्स ये हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, सॉरी 2 से 3 मिनट लगे हैं, बच्चे खुश हो गए सारे और मैच जैसा क्या बन गए फ्राइज, तो बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि मैच तो नो सिग्नल हो गया, अब मैच बंद हो गया तकरीबन, पता नहीं क्या वजह हुई है ये नहीं समझ आ रही,
और ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से निकाल लिए, बहुत ही प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। अभी फातिमा ठहर जो बेटे, अभी चिकन वगैरह बीच में मिक्स करके ना फिर दूंगी सारा कुछ। ये देखिए ना, हम इसी तरीके से और डाल लूँगी मैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये तेज़ आँच पे डालेंगे इसको, ये ऑयल को ठंडा नहीं होने देना, लेकिन ज़्यादा गर्म भी ना हो क्योंकि जलना शुरू हो जाते हैं और गलते नहीं हैं ये। बड़े मज़े की डिश है, एंड तक देखिएगा वीडियो, बड़े मज़े की डिश है ये, आम फ्राइज नहीं है ये, बिल्कुल नई रेसिपी है। जब मैं ये बनाऊंगी मुकम्मल तैयार हो जाएगी ना, फिर जब आप देखोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा इस तरह, ठीक है ना। तो ये देखिए अच्छे से हमने इनको इस तरीके से कर दिया है, और फ्लेम तकरीबन मीडियम ही है यहाँ पे, और जैसे ही हो जाएगा। और ये देखें, ये चिकन, मैं चिकन का भी साथ साथ बताते रहते हैं। देखें चिकन को हम साथ साथ, ये देखें अच्छे से श्रेड कर लिए मैंने इस तरीके से, देखें। और मैं थोड़ा थोड़ा ये जो चिकन है ना इसके ऊपर डालते जाएंगे हम। और मेरे पास बारबेक्यू सॉस ख़त्म हो गई है, वरना वो होती ना, वो भी हम थोड़ी थोड़ी वो भी डालते रहते, बस याद नहीं रहा। मैंने कहा मैच शुरू हो गया, आप क्या लेकर आएंगे, तो मैंने ये अच्छे से ना इसके अंदर जितनी कोशिश हो सके छोटे पीसेस करने की, हर एक पे ना तय लगाते जाएंगे, ठीक है। एक मैंने निकाल लिया, अच्छे से तय लगा लेंगे, ये नहीं फातिमा भी, ठीक है। अब ये एक तय लग गई है ना, अब हम इसके ऊपर और फ्राइज डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे थोड़े से फ्राइज रेडी हो गए यार, क्योंकि इन्होंने तो मसाले वाले नहीं खाने ना। ये लो एमन, आपको दूं? नो, मसाले वाले नहीं, बहुत मिर्ची है। ये लो मसाले वाले ले लो, मसाले वाले ये लो। थोड़े थोड़े बच्चे खाना शुरू हो गए क्योंकि, हाँ जी, आपको भी इनसे सब्र नहीं हो रहा ना, तो मैंने सोचा चलें ये लो, ठीक है चलें खाना स्टार्ट करें। इतने हमारे और रेडी हो रहे हैं, तो टेस्टी हैं किधर, हाँ तो अभी इनको ऐसे ही दे देते हैं ना, क्योंकि इनके पास मज़े के यम्मी गाइस, यम्मी यम्मी माशाल्लाह। हाँ ये मेरे रियान का स्टाइल है, ये मेरे रियान का यूनिक स्टाइल है बिल्कुल। ये देखिए दूसरी जो, ये देखिए इसमें प्रॉपर चम्मच हिलाते रहना क्योंकि इसके अंदर चम्मच नहीं लाएंगे तो ये नरम हो जाएंगे वरना। ये देखिए, ये देखिए बच्चों को, बेटे मुकम्मल तैयार तो होने दो ना, फिर मैं दे रही हूँ सब। क्या कह रही हो फातिमा? अच्छा 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 दो, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अब जल्दी जल्दी फ्राइज तैयार हो रहे हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि इसके अंदर ना चम्मच हिलाते रहना, ये चिकन एंड पे सारा डाल देना बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने मिर्चों का बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि मेरे तो बच्चे छोटे ही हैं, इन्होंने खाना था, तो साथ साथ हम ये देखिए बीच में डालती जाऊँगी ना इस तरीके से। हाँ ज्यादा डालूंगी, इतना मजा आ रहा है आज, संडे है जैसा कि, और मैच लगा हुआ था, हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि आज ये कर लिया जाए, लेकिन जी नहीं नहीं बस इसमें फिर ना, हाँ संडे ये भी अपना सारा काम खत्म करके आ गए जल्दी जल्दी, ताकि मैच इंजॉय कर सकें और फ्राइज वगैरह खा सकें। ये साथ होना फिर अच्छा लगता है, मतलब खाना वगैरह। हमारी कोशिश यही होती है कि संडे को कुछ स्पेशल कर लिया जाए, आज आप लोगों को भी बीच में शामिल कर लिया। और हमारा था बाहर से लेके आने का, लेकिन हमने सोचा भी घर में ही फ्राइज के साथ जो है एंजॉय किया जाए, क्योंकि सारे बच्चों को किसी को पसंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। एमन ये रियान, ये हिजर, सब जो है ना खा रहे हैं। ये फातिमा, ये देखो पकड़ा गया। हाँ जी रियान गर्म है। जैसे कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारे फ्राइज आहिस्ता आहिस्ता रेडी होते जा रहे हैं,
और बच्चों ने तकरीबन मैं फ्राई करती जा रही हूँ, वो खाते जा रहे हैं। और इसकी क्या रेसिपी मैं तकरीबन रेडी करूँ, आज माशाल्लाह बच्चे जाग रहे हैं ना, तो इसलिए अब मैं इसकी क्या रेसिपी रेडी करूँगी और क्या बनाऊँगी। देखें कितने सारे फ्राई किए थे और बच्चे माशाल्लाह कटोरियाँ भर भर के ले गए। कोई बात नहीं, खाने तो हमने ही हैं, हमने कौन सा किसी मेहमान के आगे रखने। और ये देखिए अच्छे से हमने किसी इधर बैठे भी गिर जाएगा। यही आपको कहेंगे मेहमानों के बनाने के, मेहमानों के लिए बनाने के लिए बेहतर है बच्चों को थोड़ा साइड पर रखें। हाँ नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे मेहमान तो कुछ भी नहीं खाएगा। हाँ मेहमान को तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं ना अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें घर पर ही रेडी करके दे देती हूँ। मेरे तो बच्चे बहुत शौकीन हैं इन चीज़ों के। बस मुझे लगता है अब ये आखिरी के ही डलेंगे, ये सेकंड लास्ट है तकरीबन है। जैसे कि व्यूअर्स हमारे तकरीबन सारे फ्राइज कंप्लीट हो गए हैं, अब यहाँ पे लास्ट है ये, ठीक है। और साथ ही मैंने यहाँ पे अपना कोयला यानी कि स्मोक के लिए, हाँ स्मोक के लिए, हाँ जी गर्म हो जाए, तो वहाँ पे कोयला भी मैंने रख दिया है। और ये देखें ये एंड में ये देखिए ये बच जाता है, थोड़ा सा इसे फेंक देना। तकरीबन हमारे फ्राइज ज़्यादातर रेडी हो गए हैं और ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे इनको अच्छे से ऐसे कर दूंगी और जिस तरह हमारा कोयला जो है ना ये देखिए फ्राई होगा, जल जाएगा ना अच्छे से, जिस टाइम स्मोक के काबिल हो जाएगा तो हम इसके अंदर रख देंगे बीच में चिकन वगैरह डाल के। चिकन मैं डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं देखें चिकन हम डालते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सारे पे, अच्छे से ये गर्म भी होता जाएगा। जिस टाइम मैंने चिकन बॉईल किया था ये लाजमी याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक लाजमी डाला था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम काली मिर्चें साथ साथ छिड़कते जा रहे हैं पिसी हुई। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे मुकम्मल रेडी हो गए माशाल्लाह, ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इस तरीके से करके हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं इजीली बच्चे खा सकें, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे कम मिले। और यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। फातिमा आ रहे हैं बेटे, हम लेकर आ रहे हैं। ये देखो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन हमारा ये रेडी हो गया है। अब जो मेन मरहला है यहाँ पे हम ये सारा चिकन मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये बहुत ही मज़े का लगता है, थोड़ा थोड़ा बीच में चिकन आता रहेगा ना तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास बारबेक्यू सॉस होती वो भी मैं साथ साथ डालती जाती। और यहाँ पे हम इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा केचप डाल देंगे कहीं कहीं, ठीक है। और जो लोग मायनीज पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं बच्चों की जैसे ज़रा कम यूज़ करूँगी मायनीज, बहुत ज़्यादा थिक होती है मायनीज। और ये देखें यहाँ पे अच्छे से माशाल्लाह रेडी हो गए हैं तकरीबन। और ये काली मिर्चें थोड़ी सी पिसी हुई वो भी डाल दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली तकरीबन इसके ऊपर रख दूंगी, लेकिन हल्का सा इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि नीचे से नहीं जल रहा ये। और थोड़ा सा हम इसके अंदर से ऑयल लेके वो इसके ऊपर डाल देंगे और किसी इसको इस तरीके से स्मोक दे देंगे। जी ये देखें कितनी प्यारी ये जो है इसको स्मोक दी जा रही है। हाँ। फ्राइज को ये इस तरीके से टेस्ट जो है ना डबल से भी डबल हो जाएगा। ये देखें स्मोक निकल रही है ना, ये इसके अंदर समा जाएगी अच्छे से। देखिए मैंने अच्छे से दबा दिया, बारबेक्यू टेस्ट आएगा तकरीबन, बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये देखिए हमें भी खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। चले बस चले जी अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए जी हमारे स्मोक वाले जो फ्राइज हैं वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, ये तैयार हो गए हैं। और थोड़ी सी स्मोक बेटा नहीं इतनी काफी, ये तकरीबन रेडी हो गया हमारा। साथ साथ हम इसके मैच भी देखेंगे और साथ साथ खा के इंजॉय भी करेंगे और साथ हम बोतल ठंडी हो रही है इतने वो भी हम साथ पियेंगे। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट कुकिंग के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे आपके सामने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।